हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ प्लस वेल्थ। आज मैं आपके साथ इंटीमेट हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट का रिव्यू और डिटेल शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको प्रोडक्ट की डिटेल अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली और वीडियो की अपडेट के लिए। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है सिप्ला कंपनी का मामा एक्सपर्ट इंटीमेट वॉश, जो आपके इंटीमेट एरिया होता है, खासकर वुमेंस का इंटीमेट एरिया जो होता है वो काफ़ी ही सेंसिटिव होता है, और उसका उस पर अगर हम सोप या फिर कुछ और यूज़ करते हैं तो उससे इचिंग और रैशेस की प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए आजकल का जो टाइम पीरियड चल रहा है इसमें इंटीमेट वॉश जो होता है ये कंपल्शन हो चुका है यूज़ करना। तो मैंने ये सिप्ला कंपनी का इंटीमेट वॉश मंगवाया था जो कि मुझे ऑफ़र में मिला था। मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आपको दो पैक जो हैं ये आई थिंक 180 के या 200 के ही मिल जाएंगे। वैसे तो इसकी MRP है 180 रुपीज़, लेकिन मेरा आइडिया से ये दो आपको 180 में पड़ते हैं। और ये है मतलब एक साल की, दो साल की इसकी शेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है, और इनफ है दो साल की शेल्फ लाइफ दो इंटीमेट वॉश यूज़ करने के लिए। ये इंटीमेट वॉश जो है, आप ये इसका नाम वगैरह पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इसका नाम वगैरह लिखा है, ये सिप्ला कंपनी का है। और ये जो है ये इचिंग नहीं होने देता है, इचिंग को रिड्यूस करता है और जो स्मेल होती है उसको भी रिड्यूस करता है। और इसमें टी ट्री ऑयल है, नीम एक्सट्रैक्ट है, और pH बैलेंस ये मेंटेन करके रखता है, और डेली यूज़ के लिए ही है ये प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इसकी जो pH लेवल होता है इंटीमेट एरिया का वो 3 से 4 होना चाहिए, और ये उसको मेंटेन करके रखता है। और ये सेफ़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, यहाँ पर लिखा भी है कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई पैराबिन नहीं है साथ में, ना ही कोई SLS है, ना ही SLES है, कोई भी इसमें हार्श केमिकल नहीं है जो आपको इरिटेट करेगा। आप यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट भी पढ़ सकते हैं, इसके इंग्रेडिएंट में भी टी ट्री ऑयल, एलोवेरा सब मेंशन है, इसमें यूज़ किया हुआ है। और मैंने इसकी एक बॉटल यूज़ कर ली है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है इसलिए मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें यहाँ पे आपको दिया भी है हुआ है कि इसमें जो जो प्रोडक्ट है वो आपके किस किस काम आएंगे। और ये अंदर से पंप बॉटल में आपको मिलता है इस टाइप की, जो कि कैरी करना, अगर आपको कहीं जाना है तो कैरी करना भी है। अभी मैंने ओपन नहीं की है, ये न्यू बॉटल है इसकी, जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो अलग है, मतलब सेम बॉटल ही है। और यहाँ अंदर भी आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, और काफ़ी अच्छा इंटीमेट वॉश है। मेरे रिकमेंडेशन से तो आप लोगों को ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बजट के अंदर आपको एक अच्छा इंटीमेट वॉश मिल रहा है। और आजकल यूरिन इन्फेक्शन बहुत हो रहा है जिसके लिए हमें थोड़े से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसमें से ही एक प्रिकॉशन ये है कि आप इंटीमेट वॉश यूज़ कीजिए, जो कि काफ़ी ही अच्छा होता है और काफ़ी ही हेल्दी रखता है आपके इंटीमेट एरिया को, और कोई इचीनेस और कोई ड्राइनेस नहीं होती, क्योंकि हम सोप से वॉश करते हैं तो ड्राइनेस हो जाती है। अगर आपको ये परचेज़ करना है तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, और काफ़ी ही रीज़नेबल है। मैं तो कहूँगी ज़रूर आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।